हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, ये सनी क्रेन है। सनी का 50 टन क्रेन है, जिसका मॉडल है SRC 500 TW। तो इसके आज पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, इसका फंक्शन कैसा काम करता है, लीवर कैसे काम करता है, आउटरिगर, कंप्यूटर से लेके हर चीज़ मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका जो पावर का बटन होता है, ये पावर का बटन इसका नीचे होता है, बैटरी का जो स्विच कहा जाता है, ये हमारे डीजल टैंक के बाजू में ही होता है। ये वाला जो है स्विच है, तो इसको सबसे पहले पावर ऑन किया जाता है, उसके बाद में ऊपर जाके क्रेन को स्टार्ट किया जाएगा। अभी क्रेन के अंदर बैठे हैं, अभी क्रेन को चालू करेंगे और इसको वन बाय वन मैं हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा चाबी है, यहाँ से चालू होगा। तो सबसे पहले एक बार हम टर्न ऑन करेंगे तो बैटरी का कनेक्शन जो है चालू हो जाएगा। अब बैटरी का कनेक्शन जैसे चालू होगा, कुछ इस तरीके से हमारे डिस्प्ले पे शो करेगा, सनी लिख के आएगा। तो हम वेट करेंगे इसका जो डिस्प्ले है वो पूरा होने तक। अभी ये डिस्प्ले पूरा यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आउटरिगर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हमें अगर आउटरिगर 100% निकालना है तो यहाँ पे आउटरिगर 100% पे हम ये टच कर देंगे, ठीक है? तो 100% पे टच करेंगे तो ये हमारा जो आउटरिगर है वो पूरा 100% निकलेगा, उसके बाद में हम ओके दबा देंगे। तो यहाँ पे जो है सेलेक्ट हो गया है, इसके बाद में क्रेन को हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एक बार टर्न किए थे और एक बार टर्न करेंगे, ये क्रेन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसका लीवर के बारे में। तो इसमें दो लीवर होता है, ये जॉस्टिक लीवर है, ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, ठीक है? ये लेफ्ट लीवर है, लेफ्ट लीवर के पीछे में ही ये स्विच है। ये स्विच के बारे में सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो पहला बटन है ये PTO का है, ये ऑन हो जाएगा तो मतलब PTO लग गया है, ठीक है? फिर उसके बाद में पूरा फंक्शन काम करेगा। जब तक ये ऑन नहीं होगा जब तक क्रेन का फंक्शन काम नहीं करेगा। उसके बाद में ये जो है ये मैनुअल लॉक का है, मैनुअल लॉक जो हमारा लगाते हैं उसके लिए है। इससे मैनुअल लॉक लगेगा और इससे मैनुअल जो लॉक है वो अनलॉक होगा, ठीक है? इससे लॉक होता है, इससे अनलॉक होता है। उसके बाद में ये जो दो बटन है, ये दो बटन का कुछ काम नहीं है। इसके बाद में ये जो बटन है ये बूम सिलेक्शन का है, मोड 1 मोड 2। तो मोड 1 का मतलब ये हो जाएगा, अगर मैं प्रेस करूंगा तो मोड 1 हो जाएगा। मोड 1 में सिर्फ सिंगल बूम निकलेगा, जो एक बूम सिंगल निकलता है उसके लिए है, और मोड 2 में 3 बूम एक साथ निकलेगा। तो ये जैसे कंप्यूटर में भी ये मोड 2 का सिलेक्शन, लाइट जल रहा है मतलब मोड 2 हो गया, तो मोड 2 में 3 बूम एक साथ में निकलेगा, ठीक है? और सिंगल मोड 1 में जब मोड रहेगा तो सिंगल बूम निकलेगा, तो ठीक है? तो मोड 1 में सिंगल बूम निकलता है और मोड 2 में 3 बूम एक साथ में निकलते हैं। और ये जो बटन है इसको मैं प्रेस कर दूंगा, लाइट जल जाएगा, मतलब हमारा जो भी सिस्टम है, जो भी फंक्शन है वो फास्ट काम करेगा। और ये कंप्यूटर में भी दिखाता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी कछुआ पे आ गया, कछुआ का मतलब ये हो गया कि मतलब हमारा सिस्टम स्लो काम करेगा, और मैं इसको प्रेस कर दे रहा हूँ तो ये खरगोश का सिस्टम आ जा रहा है, मतलब हमारा जो सिस्टम है वो फास्ट काम करेगा, जो भी हम काम करेंगे उससे फास्ट काम होगा, ठीक है? इसके बाजू में ये जो बटन है ये हमारा जो मैनुअल पिन का सिंबल है, ठीक है? जैसा कि मैं आपको स्विच दिखाया, अगर मैं ये अनलॉक वाला दबाऊंगा तो ये क्रेन अनलॉक हो गया। देखिए अभी ये हरा जल गया और ये ऊपर हो गया, मतलब अनलॉक हो गया। और मैं ये बटन को प्रेस करूँगा तो ये लॉक हो जाएगा, तो लॉक होगा तो यहाँ पर ये सिम्बॉल दिखाने लगेगा, ठीक है? तो ये बटन के बारे में, ये लॉक, ये लॉक का है, ये अनलॉक का है, ये मोड 1 मोड 2 का है, और ये जो सिस्टम फास्ट और स्लो काम करने का। उसके बाद में ये जो बटन है ये जो बाईपास है, क्रेन में अगर बाईपास का यूज करना है तो इसको ऐसा दबा कर रखेंगे और उसके बाद में लीवर से काम करेंगे तो बाईपास में काम करेगा। उसके बाद में ये बटन अगर मैं प्रेस करके रख दूंगा तो लाइट जल जाएगा, तो इससे जो है स्विंग काम नहीं करेगा, ठीक है ना? स्विंग लॉक हो जाएगा, स्विंग लॉक का है। उसके बाद में ये जो बटन है ये बूम को जो है अंदर बाहर नहीं होने देगा, मतलब टेलीस्कोपिक जो है इन आउट नहीं होगा। अगर मैं इसको प्रेस कर देता हूँ तो जितना पे हम निकाले हैं उतना ही पे स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद में ये अगर मैं बटन प्रेस कर दूंगा तो लाइट जल जाएगा, मतलब हमारा जो एक्जुलरी हुक जो है उसका विंच स्टॉप हो जाएगा, एक्जुलरी हुक अप डाउन नहीं होगा, ठीक है? तो उसके लिए है ये।
तो ये मैं कभी भी ऑफ करके रखता हूँ क्योंकि मुझे ये काम करना होता है, तो इसीलिए मैं ऑफ करके रखता हूँ। ठीक है, अब राइट साइड में जो बटन है उसका मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये राइट साइड में जो ये बटन है इसका जो है ये कंप्यूटर का बटन है पूरा, ये जो कंप्यूटर का जो भी ये जो सिस्टम दिख रहा है ये कंप्यूटर का बटन है। ये होम पेज है, यानी जो सब सेटिंग करने के बाद में मेन पेज पे जाया जाता है उसके लिए है। ये कंप्यूटर का सेटिंग है, ये इन्फॉर्मेशन का पेज है, और ये जो एसी वगैरह सेट करते हैं उसके लिए है। ठीक है, और इससे ये काम होता है, इससे जो है कंप्यूटर का पूरा सेटिंग होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन ये काम करता है। ठीक है, इसमें ये जो बटन है ये जो ये बाईपास का है, दोनों हाथ में ही बाईपास का बटन है, मतलब लेफ्ट में भी है और राइट में भी, तो ये बाईपास का है। ये जो है बूम अप डाउन का है, तो इसको मैं अगर प्रेस कर देता हूँ लाइट जल जाएगा तो मेरा बूम जो है अप डाउन नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए ये जो है मेन हुक को लॉक का है, विंच लॉक का, विंच लॉक कर दूंगा तो ये मेन हुक ऊपर नीचे नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। और ये जो है हार्न लॉक का बटन है, हम उससे परेशान हुए वार्निंग वो साउंड से, तो इसको हम ऐसा प्रेस कर देंगे वो वार्निंग साउंड बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें दो जॉस्टिक लीवर है, ये राइट साइड का लीवर है, तो राइट साइड के लीवर को अगर मैं आगे की तरफ करूंगा तो मेन हुक डाउन होगा, इसी को मैं पीछे की तरफ खींचूंगा तो मेन हुक अप होगा। ठीक है, इसको मैं अगर लेफ्ट की तरफ करूंगा तो बूम अप होगा, और इसी को मैं ऐसा राइट की तरफ करूंगा तो बूम डाउन होगा। ठीक है, तो इसमें ये चार फंक्शन काम करता है। उसके बाद में ये जो है हॉर्न है, और ये जो है हमारा जो सिस्टम थोड़ा फास्ट काम करना है, अगर ये लीवर से फास्ट काम करना है तो उसके लिए है। ठीक है, और इसके नीचे ही एक स्विच लगा होता है, ये जो देख रहे हैं ये स्विच है। ठीक है, तो हमें जो भी काम करना है ये ऐसा स्विच को दबा के ही काम करना होता है, इसको प्रेस करके ही ऐसा, उसके बाद में ये लीवर से काम करेंगे तो ये लीवर काम करेगा। उसके बाद में लेफ्ट साइड के लीवर में इसको आगे की तरफ करेंगे तो एक ज्वेलरी हुक डाउन होगा, पीछे की तरफ करेंगे तो एक ज्वेलरी हुक अप होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ ऐसा करता हूँ तो स्विंग होगा, लेफ्ट स्विंग होगा, राइट की तरफ करूँगा तो राइट स्विंग होगा। इसमें भी सेम, ये जो दो ऊपर का बटन है ये हॉर्न का है, और ये जो है सिस्टम स्लो फास्ट का है। ठीक है, इसमें भी ऐसा स्विच होता है अंदर की तरफ, ये जैसा आप देख रहे हैं ये स्विच होता है, तो इसको ये लीवर से काम करने से पहले ये स्विच को मैं ऐसे दबा के उसके बाद ही आगे पीछे करूंगा तो ये लीवर काम करेगा। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। उसके बाद में ये हैंडल में हम देख लेते हैं, ये हैंडल देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है। तो ये लेफ्ट साइड में सबसे पहले मैं देखता हूँ ये जो है ये वाइपर का है, ये वाइपर चलाना है तो उसके लिए है, ये सामने देख रहे हैं ये वाइपर चालू हो गया है। ठीक है, तो ये वाइपर के लिए इसका नंबर है अप डाउन करने के लिए। उसके बाद में ये इंडिकेटर के लिए भी काम करता है, इंडिकेटर अगर हमें मुड़ना है तो ये चालू कर सकते हैं, ऐसा चालू करेंगे तो राइट इंडिकेटर हो जाएगा, इसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो लेफ्ट इंडिकेटर चालू होगा। यहाँ पे सिंबल भी दिखाता है, ये देखिए लेफ्ट इंडिकेटर का सिंबल दिखा रहा है, ऐसा करूँगा तो राइट इंडिकेटर जलेगा, यहाँ पे सिंबल दिखा रहा है और आगे में इंडिकेटर चालू हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड में जो है ये गियर का है। ठीक है, इसको इसमें देख सकते हैं इसमें तीन गियर है, एक दो तीन। ठीक है, तो ये गियर ऐसा लगता है, जैसे ये इसको थोड़ा ऊपर करके ऐसा आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये क्रेन आगे की तरफ चलेगा, और उसके बाद में गियर जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये दो नंबर हो गया, ये तीन नंबर हो गया, तीन नंबर लगा के अगर हम इस लेटर देते रहेंगे तो ऑटोमेटिक चार नंबर गियर होता है। तो इसमें जो अगर तीन नंबर पर भी लगा के चलाएंगे तो ये एक नंबर से ही काम करेगा, उसके बाद में जैसे जैसे हम इस लेटर प्रेस करेंगे वैसे वैसे गियर बढ़ते जाता है। ठीक है, ये सेंटर में न्यूट्रल हो जाता है, फॉरवर्ड ये न्यूट्रल ये बैक। ओके, उसके बाद में ये जो है यहाँ पे हॉर्न है, इसको अगर मैं प्रेस करूंगा तो हॉर्न बजेगा। ठीक है, तो उसके लिए है। उसके बाद में इसमें स्विच भी है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है हमारा पार्किंग ब्रेक है, इसको ऐसा खींच के ऐसा छुड़ाना है तो ऐसा मैं छुड़ा दूंगा। ठीक है, तो ये पार्किंग ब्रेक छूट जाएगा, यानी ऐसा नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो पार्किंग ब्रेक यानी ट्रेवलिंग मोड पे हो गया, हमें अगर किरण को कहीं लेके जाना है तो नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, अगर पार्किंग ब्रेक लगाना है या ऊपर की तरफ लगाएंगे तो पार्किंग ब्रेक लग जाएगा। ये बटन इसका काम नहीं करता है, ये एक्स्ट्रा बटन है। ये दूसरा जो है हजार्ड का है, अगर हमें ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो इसको ऐसा जला के रखना चाहिए, उससे क्या आगे पीछे चारों जो लाइट है ना वो फ्लैशिंग करता रहता है, मतलब जलता रहेगा। ठीक है, इसमें ये भी बटन काम नहीं करता है, एक्स्ट्रा बटन है। दूसरा जो ये हेडलाइट का बटन है, एक बार प्रेस करेंगे तो ये पूरा लाइट जल जाएगा सिस्टम, ये जो जितना इंडिकेटर है
लाइट जल जाएगा, और दूसरी बार प्रेस करेंगे तो आगे का जो हेडलाइट है वो चालू हो जाता है, ठीक है, उसके लिए है। उसके बाद में नीचे ये जो फुट पैडल दिया है, इसमें 3 फुट पैडल है जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये पहला जो है स्लेटर का है, स्लेटर जैसा हम देंगे वैसा क्रेन का आरपीएम बढ़ता जाएगा। दूसरा जो है ये ब्रेक का है, ये जो है ये ब्रेक का पैडल है, ट्रैवलिंग करते समय ब्रेक का यूज करेंगे। और तीसरा जो ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो पैर में दिया है, ये बूम एक्सटेंड और बूम रिट्रैक्ट का है। इसको मैं आगे की तरफ दबाऊंगा तो बूम एक्सटेंड होगा, और इसको पीछे की तरफ ऐसा करूंगा तो बूम रिट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये बाहर निकालेंगे ऐसा दबाएंगे तो बूम अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। ये जो है ये एक दिया हुआ है ये हैंडल को एडजस्ट करने के लिए, हैंडल को आगे पीछे करने के लिए। अगर मैं इसको दबा के, ये आप जो देख सकते हैं हैंडल को मैं आगे खींचूंगा तो ये आगे की तरफ आ जाएगा। अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर सकते हैं, इसको दबा के पीछे की तरफ कर सकते हैं। हैंडल के लिए कि यहाँ पर भी दिया है, इसको भी दबा के हैंडल को अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसा दबा के ये हैंडल को खींचेंगे तो आगे पीछे होता है, उसके लिए है। तो ये हो गया। उसके बाद में ये जो है इसका आउटरिगर का सिस्टम है। आउटरिगर का सिस्टम आप समझ लीजिए, सबसे पहले आउटरिगर का सिस्टम, अगर हमें चारों एक साथ में काम करना है तो ये आल में दबाऊंगा, ठीक है, तो ये चारों में लाइट जल जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर चारों एक साथ अगर आउटरिगर नहीं निकालना है तो मैं ऐसा सिंगल सिंगल करके भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। जो जैसे ये 2 सेलेक्ट करेंगे तो 2 ही आउटरिगर निकलेगा, 3 सेलेक्ट करेंगे 3 निकलेगा, 4 सेलेक्ट करेंगे 4 निकलेगा। या आप चाहें तो एक साथ में आल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो सिंगल सिंगल भी निकाल सकते हैं। अभी मैं जैसे ये फ्रंट का एक मैं सेलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद में ये जो है इसे आउटरिगर निकलता है, ठीक है। तो ये मैं दबाऊंगा तो आउटरिगर निकलना चालू हो जाएगा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं आउटरिगर ये मेरा बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये आउटरिगर इससे बाहर जाएगा, ये देखिए आउटरिगर बाहर चला गया। तो ये मैं सेलेक्ट करके रखा था तो इससे आउटरिगर बाहर आता। अगर इसी आउटरिगर को अंदर लाना है तो मैं ये वाला बटन दबाऊंगा, ये प्रेस करके रखूंगा तो आउटरिगर अंदर आएगा। ये जैसा आप देखिए ये आउटरिगर मेरा अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अभी इससे आउटरिगर बाहर जाता है, इससे आउटरिगर अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद बात आता है जेक का। अगर आउटरिगर बाहर निकाल लिया, इसे आउटरिगर बाहर निकाल लूंगा तो इससे जेक को निकालेंगे। जेक यानी नीचे की तरफ आएगा, यानी जेक लगाना है तो ये दबा के रखेंगे तो जेक लगेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर जेक को उठाना है तो इससे जेक उठेगा, इसको ऐसा दबा कर रखूंगा तो जेक ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इससे आउटरिगर बाहर जाता है, आउटरिगर बाहर निकाल के इससे जैक नीचे की तरफ लाएंगे, मतलब जैक लगाएंगे। अगर काम हो गया तो इससे जैक को उठाएंगे, उसके बाद में इससे आउटरिगर को अंदर की तरफ लेंगे। उसके बाद में ये सिलेक्शन है ये अपना व्हील का। तो ये जो है पहला, मैं अगर ऐसा लगा के रखूंगा तो मेरा आगे का 2 टायर कटेगा, ठीक है, आगे का 2 टायर ही यूज होगा। उसके बाद में अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो ये पीछे का 2 टायर कटेगा, अगर मैं हैंडल से काट रहा हूँ तो पीछे का 2 टायर कटेगा। और अगर मैं इसमें लगा कर रखता हूँ तो चारों व्हील एक साथ में यूज होगा, चारों व्हील अगर मैं जैसा भी कटिंग करूँगा चारों व्हील कटेगा। और ये जो है वो एक साइड में लेके जाना है तो उसके लिए है, ये मैं सेलेक्ट करूँगा तो चारों व्हील एक साइड में ही जाएगा, जिधर मैं लेफ्ट या राइट जिधर भी करूँगा एक ही साइड में जाएगा चारों व्हील, ठीक है। तो नॉर्मली मैं इसमें यूज करता हूँ 4 व्हील में, ये चारों चक्का एक साथ में कटता है, ठीक है। उसके बाद में ये ऑटो का सिलेक्शन है, ये ऑटो में हमेशा ही रहता है। ये जो है ये अपना ट्रैवलिंग करते समय फास्ट और स्लो चलने का है। तो इसको अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो मैं ट्रैवलिंग करूँगा ना तो स्लो में जाएगा, कहीं पे स्लो का चढ़ाना है या चढ़ाई है या स्लो कहीं जाना है उसके लिए है। अगर मैं ये दबा कर रखूँगा तो फास्ट काम करेगा, यानी मेरा जो ट्रैवलिंग है वो फास्ट होगा, ठीक है, उसके लिए है। इसके बाद में ऊपर में देख लेते हैं, ऊपर में कुछ स्विच है, ये आप देख रहे हैं ऊपर में स्विच है। तो इसमें सबसे पहले ये जो है एसी का है, अगर मैं ऐसा दबा देता हूँ तो ये लाइट जल गया, हमारा एसी चालू हो गया, ठीक है। ये दूसरा जो है वाइपर का है, वाइपर का है, ये जो है अपना फवारा फेंकता है और वाइपर चलाता है। ये जो है इंस्ट्रूमेंट बैक लाइट है, जो इसको चालू करने से इंस्ट्रूमेंट बैक लाइट चालू हो जाता है। ये जो है ये हमारा केबिन के नीचे जो फुट पैडल होता है उसको निकालने के लिए, अगर मैं ये दबा कर रखूंगा तो फुट पैडल बाहर आएगा। जैसा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए इसको मैं दबा कर रखूंगा तो ये फुट पैडल बाहर आएगा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं फुट पैडल बाहर आ रहा है, उसके लिए है। इसी को अंदर करना है तो उसके नीचे वाला मैं दबाऊंगा तो ये फुट पैडल अंदर जाएगा, ठीक है।
ये देखिए, ये मैं दबा कर रखा हूँ तो ये फुट पैडल अंदर आ रहा है, ठीक है। ये फुट पैडल अंदर आ गया, ये जो है हमारा केबिन को उठाने के लिए है। इससे केबिन जो है अप होगा, अगर हाइट का काम है तो केबिन को अप कर सकते हैं, इससे केबिन डाउन होगा। ये जो 360 अपना जो स्विंग है उसके लिए है, ये जो है वो ही है, एक अंदर के लिए एक बाहर के लिए है। और दूसरी बात, ये जो है ये हमारा जो केबिन के ऊपर जो लाइट होता है हजार्ड लाइट, उसके लिए है जो केबिन के ऊपर होता है। ये जो है ये विंच के पास में लाइट लगा हुआ है, उसको जलाने के लिए है। ये दूसरा जो है हमारा बूम के ऊपर लाइट होता है, बूम के ऊपर और केबिन के ऊपर जो लाइट होता है उसके लिए है। ये जो है आउटरिगर के पास में लाइट होता है, रात को काम करते समय ये लाइट चालू करेंगे तो आउटरिगर के चारों तरफ लाइट है वो जल जाएगा। ये जो लाइट है ये काउंटर वेट का लाइट है, काउंटर वेट के ऊपर जो ऐसा गोल गोल घूमने वाला जो लाइट होता है रेड लाइट, वो चालू हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर में बस इतना ही है। दूसरा ये जो लाइट है ये फ्लैश लाइट है, इसको बस ऐसा टच करेंगे तो लाइट चालू हो जाता है, केबिन लाइट है। और इधर जो है ये हमारा एसी का जो है वो है, ठीक है। अब इसके कंप्यूटर के बारे में समझ लेते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या फंक्शन है और कैसे काम करता है। जैसे कि देख रहे हैं इसमें ये कंप्यूटर है इसका, और ये जो है इसका कैमरा का डिस्प्ले है। इसमें चार कैमरा है तो चारों कैमरा डिस्प्ले में दिखाता है, ठीक है। तो कैमरा का जो पावर ऑफ और ऑन बटन यहाँ से होता है, ठीक है ना, यहाँ से पावर ऑफ और ऑन का किया जा सकता है। उसके बाद में ये जूम इन का है, चैनल चेंज करने का है, मेनू है, और ये सब इसका डिस्प्ले का है, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। तो कंप्यूटर में ये जैसा कि देख रहे हैं अभी, ये ट्रेवलिंग मोड में रहेगा तो ये टायर दिखाएगा, और ये ऑपरेटिंग मोड में रहेगा तो ऊपर का दिखाएगा। ये चाबी है इसका, तो हम लोग पासवर्ड डाल के नहीं रखे हैं, पासवर्ड डालेंगे तो ये क्या बोलते हैं ये काम करेगा। और दूसरी बात है ये मोड वन और मोड टू के लिए है, ठीक है। जो बूम सिलेक्शन करते हैं ना तो यहाँ पे उसका शो करेगा, अभी मोड वन में दिखा रहा है। अगर मैं इसको मोड टू में करना है तो ये लीवर के लेफ्ट साइड लीवर के पीछे ही ये मोड वन मोड टू का है, तो मैं इसे एक बार प्रेस करूंगा लाइट जल जाएगा, यानी मोड टू में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर में मोड टू दिखाने लगेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं मोड टू दिखाने लगा। और वो जो बटन दिखा है उसी को मैं प्रेस ऑन बट एक बार प्रेस करूंगा और लाइट बंद हो जाएगा तो मोड वन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये स्विंग लॉक का है, स्विंग लॉक जो मैं किया हुआ हूँ यहाँ से, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ये स्विंग लॉक का बटन है, ठीक है। तो ये स्विंग लॉक का दिखा रहा है, ये विंच वन का दिखा रहा है, ये विंच टू है। और उसके बाद में ये जो है खरगोश और कछुआ, मतलब अगर हम स्लो काम करेंगे तो कछुआ में अगर रहेगा तो स्लो काम होगा, और अगर फास्ट काम करना है तो खरगोश में लगा के रखेंगे। तो इसका सिस्टम भी ये लेफ्ट साइड के ही जो अपना पैनल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये पूरा फंक्शन फास्ट काम करता है, ठीक है। अभी देखिए ये यहाँ पे जैसा कि खरगोश का जो मोड है वो दिखाने लगा, ठीक है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये कछुआ के मोड में आ गया। उसके बाद में ये पिन लॉक का सिंबल दिखा रहा है, अगर हमारा मैनुअल पिन लॉक हो जाएगा तो ये सिंबल दिखाता है। तो मैनुअल पिन लॉक का, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो है मैनुअल पिन लॉक का और ये अनलॉक का, तो मैं इसे दबाऊंगा तो अनलॉक हो जाएगा। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी ये अनलॉक हो चुका है, ठीक है। ये आप देखिए अनलॉक हो चुका है, ठीक है। और लॉक वाला मैं दबाऊंगा तो अभी लॉक हो जाएगा और कलर उसका रेड हो जाएगा। देखिए अभी लॉक हो गया, मतलब ये देखिए यहाँ पे लॉक दिखा रहा है। तो ये जो बटन है लेफ्ट साइड का, जो बटन है लेफ्ट साइड का जो लीवर, उसके पीछे में ये लॉक है और ये अनलॉक है, ठीक है। उसके बाद में ये अपना आउटरिगर का इसके बाद ये बूम का सिलेक्शन दिखाएगा, उसके बाद में आउटरिगर का सिलेक्शन दिखाएगा, कितना आउटरिगर सेलेक्ट करके रखे हैं। तो अभी मैं आउटरिगर नहीं निकाला हूँ, जैसे कि इसमें दिख रहा है पूरे 0-0 है, तो यहाँ पर भी जो है 0-0 दिखा रहा है। ये काउंटर वेट है, 6 टन इसमें काउंटर वेट है, 6 पार्ट ऑफ लाइन है, और ये फ्लाई जीब अगर यूज करेंगे तो उसका सिंबल दिखाएगा। और ये जो क्रेन का मॉडल नंबर है SRC 500T, ठीक है। उसके बाद में नीचे में आते हैं, तो नीचे में ये हम जो लोड उठाएंगे उसकी कैपेसिटी दिखाएगा, हम जो लोड उठाएंगे उसका कितना लोड का वेट है वो दिखाएगा। जो भी हम लोड आएगा हमारे क्रेन में वो यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे परसेंटेज दिखाएगा, मतलब कितना परसेंटेज
क्रेन का अभी लोड उठाया हुआ है, और अभी जो है ये 4 टन दिखा रहा है, क्योंकि मैं आउटरिगर सेलेक्ट नहीं किया हूँ, तो विदाउट आउटरिगर का ये 4 टन दिखा रहा है लोड उठा सकते हैं। इसके बाद में ये विंड स्पीड है, हवा का जो स्पीड चलेगा यहाँ पे शो करता है। उसके बाद में ये पूरा क्रेन का यहाँ पे फोटो लगाया हुआ है, और इसके ऊपर ही हमें ये पूरा चीज की जानकारी देता रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है जो बूम का लेंथ है, मेरा जो बेसिक बूम है 11.6 मीटर है बेसिक बूम। अभी कोई भी बूम मैं एक्सटेंड नहीं किया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी बूम अभी एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो बेसिक बूम 11.6 मीटर है, और ये जो एंगल है अभी जो क्रेन का पोजीशन में जो है उसका एंगल है 32.4, इसका बूम का एंगल है। उसके नीचे आ जाते हैं तो इसका रेडियस दिखा देगा, वर्किंग रेडियस इज 8.1 मीटर है, और इसका टीफाइड है। ये जो बूम से और ग्राउंड का जो डिस्टेंस होता है उसे टीफाइड कहते हैं। तो इसका जो अभी डिस्टेंस है 9.6 मीटर है, ठीक है। उसके बाद में ये जो नीचे है इसका जो ये आउटरिगर कितना सेलेक्ट करके कितना आउटरिगर निकालेंगे वहां भी यहाँ पे परसेंटेज दिखाता जाएगा। उसके बाद में ये हावर मीटर है, हावर मीटर अभी क्रेन ये बहुत नया है, अभी 95 हावर ही काम हुआ है इससे। ये डीजल का जो भी है कितना परसेंटेज डीजल है उसका दिखाएगा। ये जो हमारा टेम्परेचर दिखाएगा इंजन का, ये जो है आरपीएम मीटर है, ये बैटरी का मीटर है, ठीक है। इसके बाद में नीचे में ये सेटिंग का दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। अगर ये मैं टच करता हूँ तो एसी का आ जाएगा रेडियो, और ये है तो एसी का देख लेते हैं। एसी अगर चालू करेंगे तो एसी का मैं बताया हूँ यहाँ पे एसी का है, तो ये देखिए मैं एसी को अगर चालू कर देता हूँ तो यहाँ पे एसी अभी चालू दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो फैन का है, फैन का स्पीड है कम ज़्यादा करने के लिए। अभी अगर स्पीड बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे टच करते जाऊँगा, स्पीड इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। कम करने के लिए यहाँ पे टच करूँगा, इसका स्पीड कम होता जाएगा, ठीक है ना। डिस्प्ले से बंद करना है तो यहाँ से पावर ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से पावर ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ऑटो मोड है, ये एसी का मोड है, ये हॉट मोड है। अगर गर्म हमें हवा चाहिए तो यहाँ से इसको दबाएंगे, ठीक है। इसमें और दो दिया है, माइनस और प्लस दिया है, तो ये इसका टेम्परेचर सेट करने का। अगर मैं माइनस करता जाऊंगा तो इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, कम टेम्परेचर आ जाएगा। प्लस करूंगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके बाद में इसमें रेडियो का दिखाया हुआ है, रेडियो का जो भी है यहाँ से रेडियो स्टार्ट होता है, ये दबाएंगे तो रेडियो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से हम लोग इसका सेटिंग कर सकते हैं, जो भी लेवल है ये प्लस माइनस कर सकते हैं साउंड का, ठीक है। तो ऐसा है तो अभी मुझे रेडियो नहीं चलाना है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये तो हमें सेटिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता है, ये आरपीएम वगैरह का दिखाता है, हीटिंग का दिखाता है, लेवल वगैरह सब, ठीक है। उसके बाद में ये नीचे जाते हैं, नीचे सेटिंग का जो है इसको मैं टच करता हूँ। तो सेटिंग में पहला जो ऑप्शन आता है ये क्रेन का पूरा इन्फॉर्मेशन देता है, क्रेन का पोजीशन कैसा, ये पूरा मैक्सिमम ऑफ, या अगर ये करना है बूम को ऑफ करना है तो यहाँ से बूम को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ये बूम को कितना पर सेट करके इसको लॉक कर सकते हैं उसके लिए है। ये यहाँ से जो इसका टीफाइड है वो भी मैक्सिमम हम लोग ऑन सेट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। यानी अगर क्रेन में कुछ भी अगर कितना परसेंटेज तक निकालना है, उससे ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग ऐसा करके हम लोग लॉक कर सकते हैं। जैसे 32 पर अगर चाहे तो हम लोग लॉक कर सकते हैं, 32 से मिनिमम ये बूम डाउन नहीं होगा, यानी जो एंगल है 32 से ज़्यादा डाउन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में ये रेडियस का भी दिखाया हुआ है, अभी 8.1 मीटर रेडियस है, तो इस पर भी चाहे तो हम लोग लॉक कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये इससे लॉक कर सकते हैं। उसके बाद में ये क्रेन का पोजीशन है, जो भी अगर स्विंग का दिखा रहा है 36 स्विंग में, अगर किस पोजीशन पे हमें लॉक करना है, अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई दीवार वगैरह कुछ भी है, तो उसमें जाकर टच नहीं होना चाहिए, गलती से अगर हमें नहीं ध्यान दे रहे टच हो जाए, तो हम लोग यहाँ से सेट करके लॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा ऑप्शन जो आता है ये ब्राइटनेस का है, क्रेन का जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस है कम ज़्यादा इससे कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद में ये कैलेंडर है डेट और टाइम सेट करने के लिए, तो यहाँ पे आज 16/1/2024 है और टाइम सुबह का 7:43 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मैं एक बार इसको सेट कर दिया हूँ तो ये ऑटोमेटिक चलता रहता है, इसको दोबारा सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं फर्स्ट डे ही इसको सेट कर दिया हूँ तो उसके बाद में ये ऑटोमेटिक चलता रहता है, मतलब सेटिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इससे ऐसा आएगा तो इसमें हम लोग लिखेंगे, जो जैसा लिखेंगे यहाँ से ओके दबा देंगे तो ये सेट हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से है। इसके बाद में ये लैंग्वेज सेटिंग का है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में सेलेक्ट करके रखा हूँ, आपका जो भी लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे तो इंग्लिश ही हर आदमी को मालूम है, तो इस तरह से। उसके बाद में ये जो आता है इन्फॉर्मेशन का है, तो ये यहाँ पे LMI का इन्फॉर्मेशन पूरा देगा, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से जो भी चाहिए आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए। उसके बाद में ये जो क्रेन का जो है, इसका मॉडल नंबर, कितना घंटा ये चला है, वर्किंग टाइम कितना है, ये पूरा इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये धीरे धीरे जो भी आप है एक एक चीज़ इसका जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सभी इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड सेट किया जाता है, तो मैं कोई पासवर्ड नहीं डाला हूँ, इसका टाइमिंग है पूरा काम करने का, जो भी टाइमिंग रहता है। ये RPM वगैरह दिखाता है, ये जो प्रेशर दिखाता है, ठीक है ना, कितना प्रेशर क्या चीज़ का है, पंप वम्प, पंप टू, चेचिस मेन प्रेशर, रिलीफ वाल्व करंट, ये जो भी प्रेशर है अभी हवा का प्रेशर वगैरह सब यहाँ पे ये करंट में दिखाता रहता है, ठीक है। उसके बाद में ये होम पेज है, यानी सब चीज़ें कुछ भी सब सेटिंग करने के बाद में लास्ट में हमें डिस्प्ले पे आना है, तो ये वाला बटन दबाना पड़ता है, ये होम का पेज है, ये होम पे आ जाएगा। ये हमारा ट्रैवलिंग मोड का हो गया। ट्रैवलिंग मोड में यह RPM का मीटर है, जो भी हम एक्सीलेटर देंगे कितना RPM है वो दिखाएगा, ठीक है। ये जो है स्पीड दिखाता है, ट्रैवलिंग स्पीड, कितना स्पीड हम चल रहे हैं उसका स्पीड दिखाएगा, ठीक है। ये बाकिंग अपना टेम्परेचर का दिखा रहा है, इधर ये स्पीड दिखाएगा, हवा का जो KPA है वो दिखाएगा, बाकी ये बैटरी का वोल्ट कितना बन रहा है, अपना डीजल कितना है, ये उसका बाकी टेम्परेचर वगैरह का ये पूरा यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जाते हैं, ये आउटरिगर का और सेलेक्शन के लिए ये वाला बटन है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये फ्लाई जीप का है, तो हमें फ्लाई जीप में काम नहीं करना है, अगर कौन से एंगल में फ्लाई जीप से काम करना है तो यहाँ पे दिखा रहा है, ये 0 का एंगल है, 5 का एंगल, 15 का एंगल, ये जितना भी एंगल होता है यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, आप कौन सा एंगल फ्लाई जीप सेट करके रखे हैं उसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे फ्लाई जीप में काम नहीं करना है, मेन बूम में काम करना है, तो मैं ये सेलेक्ट करके रखा हूँ। दूसरा ऑप्शन है आउटरिगर का, तो आउटरिगर में अभी मैं 0%, अभी मैं कोई भी आउटरिगर नहीं निकाला हुआ हूँ, अगर मुझे आउटरिगर निकाल के कितना आउटरिगर निकालना है हम लोग सेलेक्ट कर देंगे, तो उतना आउटरिगर पे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में काम करना है, तो उसके बाद में कैपेसिटी पूरा दिखाएगा। तो मैं ज़्यादातर 100% में ही काम करता हूँ, तो 100% को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में काउंटर वेट का सिलेक्शन है, तो काउंटर वेट के सिलेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, अगर ये कोई काउंटर वेट डेली उतारना और लगाना रहता तो उसके लिए है, और ये फिक्स मेरा काउंटर वेट है, तो मैं ये फिक्स काउंटर वेट सेलेक्ट करके रखा हूँ। उसके बाद में पार्ट ऑफ लाइन है, तो मैं 6 पार्ट ऑफ लाइन सेट करके रखा हूँ, इसमें पार्ट ऑफ लाइन सेट करने के लिए यहाँ पे आता है, जो भी है अपना सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके दबा देंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये विंच का है, मेन हुक का विंच और एक्सिलरी हुक का विंच, ठीक है। तो इसमें से अगर एक ही विंच से काम करना है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैं दोनों से काम करता हूँ, दोनों यूज़ करता हूँ, तो ये 1+2 मतलब दोनों भी मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ। उसके बाद में ये बूम का है, आपके बूम में फ्लाई जीप लगा हुआ है तो आप ये सेलेक्ट करिए, अगर फ्लाई जीप अगर उतार के रखा हुआ है तो ये सेलेक्ट करिए, तो मेरे क्रेन में फ्लाई जीप लगा हुआ है इसीलिए मैं ये सेलेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये चाबी जो है ये पासवर्ड का है, ये पासवर्ड इसमें सेट कर सकते हैं, तो मैं पासवर्ड अभी नहीं सेट करना है, तो इसके लिए इसको सेट नहीं किया हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर सेटिंग में बस इतना ही है, तो उम्मीद है आपको ये कंप्यूटर सेटिंग पूरा समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ समझ में नहीं आया, तो आप ये वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो ये वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है ये क्रेन से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।